हेलो दोस्तों, XSIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? NCERT की क्लासेस चल रही हैं हमारी। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग इसको देखेंगे। कल हमने पालमपुर की कहानी को डिटेल किया था, यानी 9th क्लास की इकोनॉमिक का जो पहला चैप्टर है पालमपुर की कहानी, उसको हमने समझा था। और उस चैप्टर में विशेष कुछ नहीं है। देखो, इन चैप्टर्स में चाहे वो एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, इसमें 100 के 100 पेज अगर हैं तो वो सारे काम के नहीं होते। अगर एक पेज में 100 लाइनें हैं तो वो सारी की सारी काम की नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप समझना चाहिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको समझना चाहिए, जिनके आधार पर ही आप आगे की चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आपको चाहे वो मास्टर बुक्स हो, या मेंस की आंसर राइटिंग करनी हो, या प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी को बेसिक से स्टार्ट किया है कि नहीं, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स का, वो कैसे काम करता है, किस प्रकार है ना, उसके संबंध में हम डिटेल करेंगे। तो कल हमने पालमपुर की कहानी देखी थी। अब पालमपुर की कहानी मूलतः उत्पादन यानी प्रोडक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। प्रोडक्शन के कारक क्या हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, ग्रामीण एरिया में किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, जीवन निर्वाह कैसे होता है, शहरों में क्या अंतर है, कुछ कहानियां दी गई हैं। कहानियों के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं, आप जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर को देखेंगे संसाधन के रूप में लोग। अब संसाधन की अगर बात आती है, जैसे परिवहन, परिवहन जैसे आप बाइक लेते हैं, साइकिल लेते हैं, तो ये क्या है, परिवहन के साधन, ये संसाधन। अगर ये नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ दूरी तय करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और कुछ चीजें हम पीछे छूट जाएंगे। तो संसाधन को अगर डिटेल किया जाए, मान लिया आपके पास लकड़ी है कोई, या पेड़ है, ठीक है, और पेड़ को काट करके आपने हल बनाया, तो हल क्या हो गया, आपके पास एक संसाधन हो गया। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप खेत जोत सकते हैं, खेत को बराबर कर सकते हैं, आदि आदि चीजें कर सकते हैं। मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम आप दूर दूर बैठ करके बिना लाइव आए या आपस में आमने सामने आए, हम लोग एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो संसाधन, संसाधन का मतलब हो गया कि जिसके माध्यम से उत्पादन को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वो संसाधन है। अब संसाधन के रूप में लोग कैसे होते हैं, मान लिया एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। मान लिया ए को अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा खाना मिला, पोषण युक्त मिला, बीमार नहीं हुआ, अगर बीमार भी हुआ तो उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, और ये पढ़ लिख कर मान लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, ठीक है। और ए किसी के साथ का व्यक्ति था जो गांव में रहता था, यहाँ पर उतनी बेहतर सुविधाएं नहीं थी, गरीबी थी, जिसके कारण उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता था, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात होती है। अब जो जब ये दोनों बड़े होंगे, जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये कोई गांव में ही कोई काम करेगा या असंगठित क्षेत्र में कोई काम करेगा, लेकिन इसको बहुत बड़े स्तर पर पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको अच्छा वेतन मिलेगा, पार्टिसिपेशन का अच्छा मौका मिलेगा, तो ये संसाधन के रूप में डेवलप होगा, ठीक है। तो संसाधन देखो, अगर मान लिया भारत की जैसे जनसंख्या की बात करें तो 140 करोड़ है, ठीक है, 140 करोड़ जनसंख्या है, फिर भी हमारे जीडीपी में योगदान उनका क्या है, कम है, गरीबी है। करीब 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में ये जो खाई है, एक तरफ बहुत सारे अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं, तो इस खाई के अंतर को कैसे पाटना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होना होगा, स्किल देनी पड़ेंगी लोगों को, जो रोजगार करना चाहते हैं उनको बेहतर स्किल्स दे करके और उनको एम्प्रोवाइजेशन करके, उनको अच्छे सेक्टर में भेज करके हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी में अच्छा योगदान कर सकते हैं और जो मानवीय जनसंख्या है उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली बात समझ में, तो ये होती है मानव पूंजी। और मानव पूंजी के लिए किसी बच्चे को अगर शुरू से, यानी जब वो पैदा होता है, उसके पोषण पे ध्यान दिया जाए, उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, है ना, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, उसको बेहतर सुविधाएं दी जाए, तो वो मानव संसाधन के रूप में तब्दील हो सकता है। लेकिन सिर्फ
पैदा हो जाना, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ना अच्छा खाने को है, ना कुछ है, ना एंटरटेनमेंट के कोई साधन है, तो इस तरह से आप संसाधन के रूप में डेवलप नहीं होते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या संसाधन तभी बन सकती है जब ह्यूमन कैपिटल या मानव संसाधन तभी बन सकती है जब वो अपने एजुकेशन सेक्टर में, अपने स्वास्थ्य के सेक्टर में, ठीक है, इन सारी सेवाओं में बेहतर इन्वेस्ट करती है। ओके, अब जैसे यहाँ पर देख क्या दिया गया है, देखो सिंपल सी बात कही गई है, संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था के पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति यानी असेट के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है, ठीक है, कि जो जनसंख्या है वो क्या है, एसेट है हमारे लिए, ठीक है। अगर इसको बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, इनको बेहतर तरीके से बनाया जाए, तो ये एसेट के रूप में काम करेंगे। जैसे भारत सरकार प्राइमरी स्कूलों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, 20 लड़कों पे 10-15 लाख रुपए महीना खर्चा करती है, खाना देती है ना, टीचर देती है, अच्छी सुविधाएं देती है। अब वो सुविधाएं उन तक ना पहुंच पाए, ये दुर्भाग्य है देश का। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो क्यों इन्वेस्ट करती है, क्योंकि ये बच्चे बड़े होंगे और मानव संसाधन के रूप में तब्दील होंगे, इसीलिए मैथ के बेहतर की जाती है, उनका रीजनिंग एप्टीट्यूड, पोषण, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब क्या किया है, जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जैसे जापान के पास देख लें, जापान के पास बहुत ज्यादा लैंड एरिया नहीं है, ठीक है, हर साल वहां बाढ़ सुनामी वगैरह आने से उसका ज्यादातर चीजें बर्बाद हो जाती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल उसका इतना जबरदस्त है कि वो कम लैंड एरिया में इतनी छोटी छोटी चीजों का प्रोडक्शन करके अपने आप को एक प्रोडक्शन हब बना चुका है, जिसके मत चाहे वो मोबाइल हो, घड़ियां हो, छोटे छोटे इक्विपमेंट हो, वो इतना ज्यादा बनाता है, प्रोडक्शन करता है, वो विश्व के कई अन्य देशों में बेच करके अच्छा इनकम कमाता है, तो वो उनकी जो जनसंख्या है ना, वो ह्यूमन कैपिटल में ढल चुकी है। ओके, अब जैसे एक स्टोरी पे देखें, योजना आयोग भारत सरकार, ये इसका स्रोत है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। क्यों नाटकीय उदाहरण है, किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत यानी इनपुट जो था, अधिक ज्ञान था, संसाधन की उत्पादकता में तेज वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। देखो 1960-65 के पहले हमारे पास होता था कि हमारे पास जो गेहूं है वो खाने को ठीक से नहीं होता था, ठीक है, भुखमरी होती थी, ठीक है, अकाल आते थे, और बेचना को छोड़ दो, अपना पेट भरने के लिए नहीं होता था। लेकिन उसी समय कुछ देशों में नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, इनको वो क्या बोलते हैं, हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे बीजों को मॉडिफाई किया है ना, जिसमें कम पानी, कम खाद वगैरह के माध्यम से अधिक उत्पादन किया जा सकता था। उन्हीं के पास हमारे MS स्वामीनाथन, उन्होंने देखा, समझा और उसको भारत में प्रयोग किया और हरित क्रांति हुई, और इसके माध्यम से एक नाटकीय परिवर्तन हुआ। जैसे अमूल, ठीक है, अमूल को देश का दूध बना दिया, ठीक है, गुजरात से शुरू हुई थी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से। तो सीधी सी बात है, अगर ठीक से इन्वेस्ट किया जाएगा चीजों में तो बेहतर उसके परिणाम निकलेंगे। आप अपनी एजुकेशन पे अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, अपने खाने पे, अपने स्वास्थ्य पे अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक एसेट बन जाएंगे, ठीक है। संसाधन के रूप, वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। ये इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो वर्तमान उत्पादन स्किल्स है, ठीक है, और जो व्यक्तियों की क्षमताएं हैं, उस संदर्भ में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है, ठीक है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या का विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है, ठीक है, कि अगर व्यक्ति जितना अधिक कौशलवान होगा, जितना अधिक क्षमतावान होगा, तो वो क्या करेगा, GDP में योगदान करेगा, ठीक है। दूसरे संसाधनों की बात, जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि विशाल जनसंख्या है भारत की, ठीक है, और क्या ही हो जाएगा, तो विशाल जनसंख्या को अगर अच्छी स्किल्स दे दी जाए, जैसे हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन वो अनस्किल्ड लेबर्स है, ठीक है, लेकिन अगर इनको स्किल कर दिया जाए, कोई ऐसी स्किल दे दी जाए, तो ये क्या करेंगे, कोई मोटर मैकेनिक बन जाए बेहतर तरीके से, तो
और उसको जॉब की एक एश्योरिटी हो कि नहीं उसको जॉब दे दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, काम करने लगेगा। जैसे ITI वगैरह है, पॉलिटेक्निक है, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है भारत सरकार का, ठीक है, मेक इन इंडिया है, ठीक है। तो ये सारे योजनाएं क्यों चलाई गई, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जनसंख्या के एक सकारात्मक पहलू को देखते हैं जिसे प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। जब इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय, हमारे पास समस्याएं हैं लेकिन उन समस्याओं को दरकिनार कर अगर हम बेहतर तरीके से लोगों तक शिक्षा, निवेश, ये सारी चीजें पहुंचा दें तो ह्यूमन मानव पूंजी का निर्माण हो सकता है। और ये भी भौतिक पूंजी के निर्माण की बात देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। मान लिया कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इंजीनियर है या डॉक्टर है या साइंटिस्ट है, तो ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से, भाई मशीने कौन बनाएगा, व्यक्ति ही बनाएगा ना। और व्यक्ति जितना अधिक क्षमतावान होगा, स्किल से भरा हुआ होगा तो वो उतना अच्छा काम करेगा। और मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा के द्वारा, ठीक है, भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित, बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण अधिक आय, साथ ही इनके स्वास्थ्य, लोगों की उत्पादकता देखा जा सकता है। सीधी सी बात है, ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया। मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है, बिल्कुल है, या उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो मानव पूंजी, ठीक है, तीन आयाम दिए गए हैं। पहला, डॉक्टर क्या कर रहा है, बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहा है। अगर इसने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की होगी तो क्या ये कर पाता, ठीक है। दूसरा, टीचर क्या कर रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक व्यक्ति है जो मशीन पर के कपड़ा कपड़ा बुनने का काम कर रहा है या बोरे बुनने का काम या शर्ट बुनने का काम कर रहा है, तो ये कैसे है, जब तक ये इन्होंने सीखा नहीं होगा तो ये नहीं कर सकते। और जब ये सारी चीजें लोगों को, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक ये सारी चीजें पहुंचा दी जाएंगी, यानी नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन पहुंच जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, स्किल होंगे। और स्किल लेबर क्या करेगा, अनस्किल से बेहतर होता है और बेहतर उत्पादन करेंगे, और उत्पादन को खपाने के लिए हमें दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व तो ही हो, लाइबिलिटी ही हो। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जैसे मान लिया कोई घर है जिसमें 10 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, तो जरूरी नहीं कि वो लाइबिलिटी हो, दायित्व तो ही हो। अगर उनको बेहतर तरीके से, उनको बेहतर आयाम दे दिए जाए तो वो क्या करेंगे, वो एक लाइबिलिटी ना होकर के एसेट में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उनके वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधनों के द्वारा क्या होगा, वो एसेट में तब्दील हो जाएंगे। जैसे लॉकडाउन लगा, सब लोग घर के अंदर हो गए, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन नहीं होता तो क्या हम इस तरह से पढ़ाई कर रहे होते, नहीं। अभी इतना ऑनलाइन आने में बहुत सदियों लग जाती है, यानी 10-15-20 साल तो लग ही जाते हैं, जितना ऑनलाइन की दुनिया में हम लोगों तक पहुंच गया है, जितना कंटेंट पिछले 25 सालों में आया होगा उतना 2-3 सालों में आ गया। अब शकल की कहानी देख सकते हैं, दो मित्र विलास और शकल एक गाँव सोमपुर में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष थी, ठीक है, शकल की आयु, उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती, उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर श्रमिक या एग्रीकल्चर फार्मर थे। सकल का काम माँ की मदद करता था, वो छोटे भाई जीतू और बहन नीतू की देखभाल करता था। चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी लेकिन वह घर में बेकार बैठा, ठीक है, कौन नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे उसका बेटा सकल पढ़े लिखे, स्कूल में नाम लिखवाने के जोर देते थे, जिसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, उच्चतर परीक्षा पास कर ली, यानी आगे बढ़ने लगा। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए राजी कर लिया, उन्होंने कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स, ठीक है, लाइक BCA वगैरह, ठीक है, प्रतिभा और आराम से पढ़ाई में रुचि थी, वो बड़े लगन उत्साह से कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई, एक प्रकार नए सॉफ्टवेयर डिजाइन भी किया और सॉफ्टवेयर फर्म में बिक्री बढ़ने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर पदोन्नत की। अब देखो शकल की कहानी है, उसके और उसका दोस्त एक कौन था, विलास। विलास का क्या हुआ होगा, विलास के बारे में, अब देखो ये शकल है, ये इसके माता पिता, ठीक है, ये दोस्त, ठीक है। अब विलास क्या हुआ, 11 वर्ष का लड़का था, वह शकल के गांव में रहता था, महेश के पिता मछुआरे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब देखो पिता की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्या हो गई, उसके घर का
भार जो भार होगा ना उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अपने परिवार को पाला पोसा, माँ गीता ने मछलियां बेचकर जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट मंडी में बेचती थी। महिला बेचकर 20 से 30 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी ही बन गया। उसकी माँ ने इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता और पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में माँ की मदद करता, छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात माँ बीमार पड़ गई, देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, और परिवार की सहायता करने वाला भी तो बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह काम करने लगा। अब देखो दो व्यक्ति थे, ठीक है, अब कौन कौन था, दो व्यक्ति थे कौन, एक था शकल एक था विलास, ठीक है। अब दोनों में कितना अंतर, एक पढ़ लिख करके क्या बना है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन गया, एक पढ़ नहीं पढ़ा और उस पर इन्वेस्ट कम किया गया। यस, ये दायित्व तो सरकारों का था, जिन लोगों का था उन्होंने अपने दायित्व का पूरा नहीं किया, तो वो क्या था, अस्वस्थ भी था, ठीक है, अस्वस्थ भी था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। यानी ये क्या है, जनसंख्या का एक भार बनकर ही रह गया। ये कभी स्किल नहीं सीख पाया, क्यों, क्योंकि इसके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और खुद बीमार था, पढ़ाई लिखाई में इसकी रुचि नहीं लगती थी, तो ये क्या हुआ, ये नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों में हमने देखा सकल स्कूल जाता था जबकि विलास नहीं जाता था, तो दोनों में अंतर आ गया, ठीक है। शकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। विलास गठिया का रोगी था, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की थी कौन, शकल ने, नौकरी मिल गई और उसकी आय ज्यादा हो गई, इसकी आय कम हो गई, तो यहीं से गरीबी में उसके पिता भी गरीब थे, आने वाली पीढ़ी भी गरीब होगी, ठीक है। उसी तरह महिलाओं पुरुषों के क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप आ जाएंगे, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, जैसे आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर खनन गतिविधियां आ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक गतिविधियां आ जाती हैं और टर्शरी सेक्टर में सेवा सर्विस सेक्टर आ जाता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो इन तीनों सेक्टरों में कैसे क्या करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर में है, आगे बात समझ में, मछलियां बेचता था और सकल फर्म में नौकरी। तीन प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मर्यादित। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन शामिल। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, ठीक है, ये सारी सेवाएं आ जाती हैं। और इन क्षेत्र के फलस्वरूप वस्तुओं सेवाओं का मूल्यवर्धन भी होता है, जितना उत्पादन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इनका मूल्यवर्धन भी होगा। तीनों सेक्टर यहाँ देख सकते हैं, ये कृषि सेक्टर है, ये क्या है, ये तुम्हारा है औद्योगिक सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। अब देखो जापान की यहाँ मैंने बात करी, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन में निवेश किया है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, कम है, ठीक है, जापान के पास कम था। विकसित धनी देश है, प्राकृतिक संसाधनों को आयात करते हैं। कैसे धनी विकसित बने, उन्होंने लोगों की विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया, ठीक है, और कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाया, इनके माध्यम से वो क्या हुआ, बेहतर बन गया। अब जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों में स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशलपन निर्माण पर निर्भर करती है, कि उनका कौशल कितना, स्किल्ड कितने लोग हैं, ठीक है, देश की समृद्धि निर्धारित करती है, यानी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका निर्धारण भी करती है। अगर बेहतर तरीके से उनको चीजें दी जाएंगी तो वो क्या होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। निरक्षर और अशक्त जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होगी। मान लिया, सपोज करो किसी फर्म में काम करना है किसी व्यक्ति को, और फर्म की रिक्वायरमेंट है कि लंबा चौड़ा व्यक्ति हो, यानी 160 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 160 से 172 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है, 70 किलो का हो, 60 से 70 किलो का हो, ठीक है, स्वस्थ हो, ठीक है। अब मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगा तो वो क्या होगा, अस्वस्थ होगा और वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर उसको रख भी लिया गया तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। शिक्षा,
सकल ने शिक्षा के बाद अब अच्छी नौकरी वेतन के रूप में उसे फल दिया। अगर आप बेहतर तरीके से शिक्षित होंगे, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करें, अगर बेहतर तरीके से शिक्षित होंगे तो आपको बेहतर तरीके से रोजगार मिलेगा। अब देखो जनगणना है 2001, ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। व्यक्ति कितने हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, ठीक है, इस चीज का है। अच्छा प्राइमरी सेक्टर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए आंकड़े। अब देखो शिक्षा पर व्यय की बात करें, 1951-52 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना होता था, 0.64%। 11-12 में कितना किया गया, इतना किया गया। 51 में 18% से बढ़कर साक्षरता दर 2011 में 74, इस समय करीब 76-77 के पास ओवरऑल साक्षरता है। पुरुषों की ज्यादा है, 84-85% के आसपास है, महिलाओं की लगभग 72 से 75% के बीच में है। ये साक्षरता रेशियो है वर्तमान का, ठीक है। महिलाओं में उस समय साक्षरता दर 16.6 थी, ठीक है, और नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी, नगरीय क्षेत्रों में इतनी, ठीक है, और केरल के कुछ जिलों 95-93, जबकि बिहार में 63%। अभी भी अंतर है। अगर राज्यवाइज देखें तो राज्य में केरल की जहाँ 95-93, मिजोरम की जहाँ 95-93 है, तो वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य राज्यों में जो पिछड़े हुए राज्य हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत यानी साक्षरता दर जो है वो कम है। और शिक्षा में निवेश, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता, केंद्रीय सरकार के समय सीमा, पाठ्य पुस्तक, स्कूल लौटो शिविर, स्कूल चलो अभियान, दोपहर के बाद का भोजन यानी मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत की गई, जिससे लोग किसी भी तरीके से बढ़े। पिछले 50 वर्षों में निवेश क्षेत्र में उच्च शिक्षा में देने वाले शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों की संख्या में, पहले क्या होता था, स्कूल कॉलेज कम होते थे, अब तो हर जगह स्कूल कॉलेजों की बाढ़ आ रही थी। बस जो प्रोडक्टिव एजुकेशन है वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल हुआ है। अब देख लो वर्ष 1951, 50-51 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी, 750 थी, वर्तमान में 31,000 है। अगर 2022-23 की बात करें तो लगभग 35,000 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, महाविद्यालय है। विश्वविद्यालयों की संख्या उस समय 30 थी, वर्तमान में 611, ये भी बढ़कर के लगभग 616 के आसपास पहुंच गए हैं। कुछ विद्यार्थी 2,63,000 थे, इस समय 14 लाख हैं। शिक्षक 24,000 थे, अब इस बार 4,92,000 हैं, ठीक है। 1951 में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना क्या थी, 1951 में जो उपकेंद्र पीएससी थी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो कितने थे, 725, इतने इतने, वर्तमान में कितने हैं, लगभग 2 लाख के आसपास, ठीक है। औषधालय अस्पताल उस समय 9,000 थे, वर्तमान में करीब 35,000 के आसपास हैं। बिस्तर इस समय 1,17,000 हैं, कोविड के बाद से कम 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 6 से 7.5 लाख हैं। एलोपैथी के डॉक्टर 61,000 थे, वर्तमान में 9 लाख से 10 लाख हैं। नर्सिंग कर्मी 18,054 थे जब हम आजाद हुए, या 1951 के समय जब हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल बनी, वर्तमान में लगभग 2 लाख के आसपास हैं, ठीक है। कोरोना के बाद से इनमें बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। फिर बेरोजगारी की बात करते हैं, ठीक है, बेरोजगारी अब घरेलू कामकाज में सकल की मां घरेलू का उस समय बेरोजगारी थी, बेरोजगारी दूर कैसे हुई, लोगों ने काम करना शुरू किया। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें, और बेरोजगारी की उम्र 15 से 59 वर्ष का व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा या काम करना चाहता है उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार व्यक्ति होता है। कुछ दिए जाते हैं, कुछ टाइम दिया जाता है, वो टाइम ड्यूरेशन, जैसे मौसमी या प्रचंड बेरोजगारी, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, जैसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी के प्रकृति में अंतर है। अब मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि देखो गाँव में जब मान लिया रबी का सीजन आया, गेहूं की बुआई करनी है तो काम मिला लोगों को, और उसके बाद 2-3 महीने काम नहीं रहा, जब गेहूं की कटाई का नंबर आया तो फिर काम मिलता है, तो ये मौसमी बेरोजगारी है या प्रचंड बेरोजगारी कह सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको उसकी उनके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो वो शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेरोजगारी को
डिटेल किया गया, लोग वर्ष के कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते हैं, ठीक है, क्योंकि कृषि में थोड़ा टाइम कम होता है और समय समय पर काम होता है। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है, उन्हें काम भी मिलता है, ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिवर्तनों में होता है। किसी काम को 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन वहाँ 15 लोग काम करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में मान लिया 1 बीघा का खेत है और 5 लोग ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, 15 लोग घर के लोग हैं तो सभी हैं, तो वहां पर रोजगार भी होता है, लोग नियोजित प्रतीत भी होते हैं लेकिन अंशदान कम होता है, ठीक है। जहाँ 5 लोगों का वहां 15 लोग काम कर रहे हैं तो वो भी उत्पादकता में कोई विशेष अंतर आएगा नहीं, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। इस बार बेरोजगारी के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। बेरोजगारी में संसाधन की बर्बादी होती है, ठीक है। अगर सरकार काम नहीं दे पा रही तो दिक्कत है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भी दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए पर्सन असेट होते हैं, अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो काम हो नहीं पाएगा, और जो कार्य करने का इच्छुक है और सुवर्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं, वह बड़ा एक सामाजिक अपव्यय है, यानी एक नुकसान है, ठीक है, वो एक प्रकार का नुकसान है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, क्योंकि खर्चा तो लगे रहते हैं, ठीक है, खर्चा बढ़ेगा, लोग बीमार होंगे, दवाई कराएंगे, लोग खरीदारी करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। और जब काम नहीं, इनकम नहीं होगी तो क्या होगा, जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं होगी तो वो एक प्रकार से रुक भी जाएगी, तो अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का हितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास काम नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं किसी चीज को, और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो कंपनियां क्या होगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग खरीदेंगे नहीं तो सर्किल चल नहीं पाएगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मंदी आ जाएगी, और ये ज्यादा दिनों तक महामंदी का रूप ले लेगी, ठीक है। वर्तमान में तो बेरोजगारी की दर ठीक ठाक है, भारत में काफी लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर, इसमें क्या क्या हुआ, आपका संसाधन जो मानवीय संसाधन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अगर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, कौन सा, पोषण युक्त, ये सारी चीजें दी जाए तो वो क्या होगा, बेहतर बनेगा। वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है, पहले के शिक्षा की क्या स्थिति, ये आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य की उस समय क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या है, जो योजनाएं हैं जैसे मिड डे मील, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो, पहले टेलीविजन पे बढ़ाया जाता था, स्कूल चलो अभियान, उसी प्रकार अन्य सारे अभियान है, स्किल इंडिया, स्किल बढ़ाएंगे तो जीडीपी में और ग्रोथ दोनों में बढ़ोतरी होगी, अगर ये सारी चीजें करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, ओके। तो ये है तुम्हारा संसाधन के रूप में लोग, बहुत टफ नहीं है, देखो क्वेश्चन भी कैसे, महिला क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं, तो आप बता सकते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, प्राइमरी द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं, ये बताना है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका हो सकती है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है बड़े अच्छे तरीके से। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि भूमि और भौतिक संसाधन तभी काम आएंगे जब मानव कुशल होगा, अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा। बेरोजगारी से आपसे क्या समझते हैं, प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर क्या है, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है और विशेष समस्या क्यों है, आप के विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है, सर्वाधिक जो सेवा सेक्टर है वो सर्वाधिक अवसर दे सकता है वर्तमान में, ठीक है। आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय सुझा सकते हैं, प्रोडक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, सीखने सिखाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। क्या आप कुछ ऐसे उपायों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोजगार
रोजगार का कोई अवसर नहीं था, लेकिन बाद में बहुत आयत में हो गया। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर टेक्नोलॉजी आने से उनमें चेंज आया। पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, किस पूंजी को, भूमि को क्यों, श्रम को, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी को, और क्यों? तो इसमें आप मानव पूंजी को ही मानेंगे क्योंकि वो पूछना यही चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धीरे धीरे 9 से लेकर के अच्छा 12 तक सभी सब्जेक्ट की, खासकर पॉलिटी, हिस्ट्री, इको इको भी चली रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइव आकर देखें। हमारी जो लाइव क्लास है 9:30 से लेकर के 10:30 के बीच में ही शेड्यूल होती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जुड़ें, और लोगों को जुड़ने का प्रयास करें। जहाँ पर भी जो दिक्कत आ रही है, कंटेंट समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमें लिख के भेजें, हम उसका जवाब देंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।